हेलो एंड वेलकम ऑल, माई सेल्फ नीतू गुप्ता, मास्टर्स इन लॉ फ्रॉम NLS बैंगलोर। गाइज, आई हैव प्रीवियसली बीन डिस्कसिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई हैव डिस्कस्ड ऑफर एक्सेप्टेंस, देन फ्री कॉन्सेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कॉन्सिडरेशन आई हैव डिस्कस्ड। देन इवन आई हैव डिस्कस्ड योर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वर्ल्ड अग्रीमेंट्स आई हैव डिस्कस्ड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ आई हैव डिस्कस वेजर कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस लेक्चर्स, देन आई हैव डिस्कस सेक्शन 30, दैट इज वेजरिंग। सो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्टिंजेंट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्टिंजेंट, क्योंकि वेजर में भी आपका यही है कि इट हैपन्स ऑन द अनसर्टन इवेंट, बट ऑल कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वेजर। सो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये वॉइड अंडर सेक्शन 30, बट नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकते हैं। सो जो आपके कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे आर गिवन अंडर सेक्शन 31 टू सेक्शन 36। इज इट क्लियर? सो मेन प्रिंसिपल, इसके हम सिर्फ मेन प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गो सेक्शन बाय सेक्शन, जस्ट सिर्फ 31 टू 36 है, उसमें मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। नाउ फर्स्ट मेन प्रिंसिपल इज दिस, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द प्रॉमिस इज नॉट एब्सोल्यूट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द प्रॉमिस इज नॉट एब्सोल्यूट। इट इज़ सब्जेक्ट टू कंडीशन विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑन हैपनिंग ऑफ विच ओनली प्रोमिसर इज टू बी परफॉर्म। ठीक है, सिर्फ ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन अनसर्टन इवेंट, कुछ अनसर्टन इवेंट है उसके हैपन या ना हैपन करने पे ही आप प्रॉमिस परफॉर्म करोगे, अदरवाइज नहीं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई से कि आई एम गोइंग टू पे यू ₹50,000 ऑन द रिटर्न ऑफ दिस शिप विद इन 1 ईयर, तो मैं अपनी प्रॉमिस कब फुलफ़िल करूँगी? जब वो एक साल में शिप वापस आएगी। लेकिन अगर वो शिप सिंक हो गई है, आई एम नो मोर लाइबल टू पे यू ₹50,000। इज इट क्लियर? सो दैट इज़ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ अ नेगेटिव कंडीशन, अगर नेगेटिव कंडीशन है, प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड व्हेन समथिंग डज नॉट हैपन एज प्रोवाइडेड इन द नेगेटिव कंडीशन और व्हेन दैट थिंग्स बिकम इम्पॉसिबल। अब ये एग्जांपल, शिप का एग्जांपल आप ले लो, अगर मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया, नेगेटिव कंडीशन प्रॉमिस की है कि अगर ये शिप वापस नहीं आएगी, देन आई एम गोइंग टू पे यू ₹50,000 विद इन अ ईयर, कि विद इन अ ईयर ये शिप वापस नहीं आएगी तो मैं, अगर वो एक साल के बाद वापस आएगी, आई एम लाइबल टू पे, क्योंकि एक साल में तो वो नहीं आई है। थर्ड, इन केस ऑफ अ पॉजिटिव कंडीशन, लाइबिलिटी एंड प्रॉमिसेस टू परफॉर्म अराइज ओनली व्हेन पॉजिटिव कंडीशन हैपेंस। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट ऑल, जो भी कंडीशन है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव कंडीशन है, नेगेटिव कंडीशन है फॉर अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हैव टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ये ध्यान रखना, सिर्फ एग्रीमेंट के टाइम पे वो आपको प्रोवाइड करेंगे, नथिंग कैन बी एडेड आफ्टर द एग्रीमेंट हैज़ बीन एंटर्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन इज, एंड इट इज़ द लास्ट कंडीशन, इफ द एग्रीमेंट इज विदाउट कॉन्सिडरेशन देन द प्रोमिस एब्सोल्यूट। इफ द अग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन, प्रॉमिस एब्सोल्यूट है एंड हैज टू बी परफॉर्म एक्सेप्ट इन द सिचुएशन कवर्ड बाई डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ वेरी ईजी टॉपिक। सो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। इज इट क्लियर? डज नॉट हैपन, दिस वॉज योर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल टू बी 10 बेल्स ऑफ कॉटन फॉर ₹20,000 इफ द शिप बाई विच दे आर कमिंग रिटर्न्स सेफली। दिस इज़ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने क्या कहा कि ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 10 बेल्स ऑफ कॉटन देंगे फॉर ₹20,000 अगर शिप वो सेफली वापस आ गई है। ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो कब वो बेल्स ऑफ कॉटन देगा? जब शिप वापस आ गई है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी है, ये क्या है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट।
इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज सी नाउ वी टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द जनरल कॉन्ट्रैक्ट हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हाट आर दीज एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नाउ नेक्स्ट मेन टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाउ वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड वंस द जनरल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट बन गया अब आप उसको अब क्या बारी आ गई आपकी डिस्चार्ज How you can discharge your contract? There are four methods of discharging the contract. First method is by performance of obligation. कि जो जो दोनों parties की duties हैं आप अपनी duty को perform करो that is performance of obligation. Next we are going to discuss in detail. Let me tell you what are the four methods of for the discharge of contract. Second is novation. फर्स्ट इज़ बाई परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन सेकेंड इज़ बाई नोवेशन कि अगर आपके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस आ गए तो व्हाट हैपेंस आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा थर्ड इज़ बाय डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस इन माई प्रीवियस सेशन दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 56 लास्ट इज ब्रीच अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए देन व्हाट हैपेंस इज इट क्लियर सो फर्स्ट मेथड इज बाय परफॉर्मेंस नाउ व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37 38 आप देखोगे 39 इट इज रिलेटेड बाय परफॉर्मेंस सो अंडर लॉ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड और वो दो कंडीशंस क्या हैं प्रॉपर पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी और प्रॉपर मैनर में करेगी इज इट क्लियर नाउ प्रॉपर पार्टी मींस प्रॉपर पार्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 प्रॉपर पार्टी इज़ द पार्टी हु इज़ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है सो कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू बी परफॉर्म बाय द पार्टी हिमसेल्फ और इज ऑथराइज एजेंट अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है देन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव नाउ इसे प्रॉपर मैनर ऑल्सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर मैनर या मेथड जो पार्टीज ने अग्री किया है वो उस तरह से परफॉर्म करना है और अगर नहीं परफॉर्म करना देन दैट मस्ट बी रीजनेबली परफॉर्म्ड रीजनेबली मीन्स कि बिजनेस आवर्स में अगर मैंने आपको कह दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आप मेरे को 5 मई तक परफॉर्म करना है अब ये नहीं है कि 5 मई को आप रात को 12 बजे मेरे घर का दरवाज़ा खटका रहे हो कह रहे हो कि अपने गुड्स ले लो नो दिस इज़ नॉट अ रीजनेबल रीजनेबल मीन्स मस्ट बी परफॉर्म ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स सो रीजनेबल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस इज इट क्लियर अब परफॉर्मेंस में आपका एक एंटिसिपेटरी ब्रीच आ जाता है Now this doctrine of anticipatory breach given under section 39 of Indian Contract Act again it is a principle of English law which is accepted and provided under section 39 of Contract Act without में और उसमें अगर section 39 आप देखोगे उसमें anticipatory breach word नहीं use हो रहा ये phrase नहीं use हुआ it is a part of Indian law without nomenclature same was in the case of doctrine of frustration section 56 में frustration कहीं mention नहीं है so उसका कोई nomenclature नहीं है is it clear ये English law का principle है anticipatory breach ये एक exception है किसकी exception है to the law of procedure relating to breach of contract देखो अब नॉर्मल प्रोसीजर में क्या है कि पार्टी कब कोर्ट के पास जाती है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस कब फाइल करती है कब स्यू करती है ओनली व्हेन कॉज ऑफ एक्शन इज देयर विच इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर व्हेन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस जैसे मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया आई एम गोइंग टू सेल यू 100 bales ऑफ कॉटन एंड यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर और मैंने उसमें कहा कॉन्ट्रैक्ट में कि आई विल डिलीवर यू दिस बेल्स ऑफ कॉटन टिल 10th May अब मैंने 10 मई को या 10 मई से पहले आपको नहीं डिलीवर किए हैं तो आई हैव मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये नॉर्मल आ गया तो रेमेडी है कब पॉसिबल होगी जब मैंने एक्चुअल ब्रीच किया 10th May को इज इट क्लियर
बट एंटीसिपेटरी ऑफ ब्रीच क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वे इंग्लिश कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज किया था एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन परमिटिंग अप्रोच टू द कोर्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ब्रीच, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ब्रीच बट ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट और एंटीसिपेटरी एंटीसिपेशन ऑन ब्रीच। अब इसमें क्या है कि हमें पता लग गया कि टेंथ में से बायर को ये पता लग गया कि टेंथ में से पहले से पता लग गया कि आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू हिम ड्यू टू एनी सिचुएशन। तो उसके पास दो रेमेडीज होती हैं, आइदर टू वेट फॉर द एक्चुअल ब्रीच और ही कैन सू मी बिफोर द ड्यू डेट। इज इट क्लियर? तो क्या है कि जहाँ पे पार्टी ने डिसेबल कर लिया अपने आप को परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस जो भी उसकी ऑब्लिगेशन थी बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है विदाउट वेटिंग ड्यू डेट एंड एक्चुअल ब्रीच एंड नॉन परफॉर्मेंस। ये जो प्रिंसिपल था ये कहाँ पे इमर्ज हुआ था? एक फेमस केस है शॉर्ट वर्सेस स्टोन, शॉर्ट वर्सेस स्टोन ये फर्स्ट केस है जो रिकॉग्नाइज हुआ था एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए एंड दिस वॉज बेस्ड ऑन प्रोमिसज मेड फॉर मैरिजेस। बच्चों की शादी के लिए प्रॉमिस हुई थी, वो शादी के लिए ब्रीच किया था, सो ये पहला केस आया था। सो इस केस में क्या था, शादी फिक्स हो गई थी बट उन्होंने कहा था जब एग्रीमेंट हुआ था उसके 2 साल बाद शादी करेंगे। लड़के ने क्या किया, लड़के ने 2 साल से पहले किसी और लड़की से शादी कर ली। 2 साल का कहा था उन्होंने, प्रॉमिस टू मैरी वॉज गिवन आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। अब वो विद इन दैट 2 ईयर्स लड़के ने क्या किया, किसी और लड़की से शादी कर ली है। लेडी है, लेडी वो कोर्ट में गई फॉर रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया, कोर्ट हेल्ड दैट सिंस द पर्सन हैज डन समथिंग विच डिसेबल्स हिमसेल्फ फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। अब देखो, अब ये शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो है नहीं है, इज इट क्लियर? इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। तो अब यहाँ पे जब लड़के ने किसी और से ही शादी कर ली है, वो 2 साल तक थोड़ा वेट करेगी कि उसको डिवोर्स दे देगा भाई, कि उसको डिवोर्स देगा या उस लड़की की डेथ हो जाए तो वो मेरे से शादी करेगा। वीडियो सो लेडी है वो 2 साल से पहले ही कोर्ट में चली गई और यहाँ पे कोर्ट ने भी यही कहा कि वो उसने अपने आप को डिसेबल कर लिया फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। सो इन सच केसेस कोर्ट हेल्ड दैट इट वुड बी अनफेयर फॉर द पार्टी टू वेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस। देयरफॉर फॉर द रीजंस ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस द एंटीसिपेटरी ब्रीच वॉज द बेसिस। इज इट क्लियर? Now there is very much interesting another case on this on the point related to marriage. देखो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल जनरल केसेस हैं, जितने भी मैंने आपको केसेस करवाए हैं डोंट थिंक सो कि बहुत टिपिकल केसेस हैं कि जो आपको समझ में ना आए। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप देखो देयर इज अनदर केस लॉ, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। अब इस केस में क्या आर्ग्यू किया गया था कि जो शॉर्ट वर्सेस स्टोन डजेंट अप्लाई इन दिस केस। क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मर केस था वहाँ पे डेट फिक्स हो गई थी, मीन शॉर्ट वर्सेस स्टोन में डेट फिक्स हो गई थी, और जो फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट है इस केस में कोई डेट नहीं फिक्स हुई थी। इट इज़ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज मैरिज टू टुक प्लेस ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। इज इट क्लियर? अब इस केस के फैक्ट्स क्या, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, देयर वाज अ बॉय एंड अ गर्ल जिनके बीच में अफेयर चल रहा था, उन्होंने प्रॉमिसेस किया था शादी के लिए, बट अगेन वही बात आ गई है कि घर पे मान नहीं रहे थे उनकी शादी के लिए। सो व्हाट दे डिड, व्हाट द बॉय प्रॉमिस्ड गर्ल कि भाई मैं शादी तुमसे ही करूँगा लेकिन एक बार मुझे उससे शादी करने दो जिससे मेरे घर वाले बोल रहे हैं। After the death of my father, I promise that I will marry you. ये facts थे। Is it possible? अब father की death है, 5 साल ना हो 10 साल ना हो क्या लड़की बैठी रहेगी? No. So इस case में कहा था कि as such कि it was on the basis of contingent contract कि जहाँ पर शादी होनी थी on the happening of some event, और वो event क्या था, father की death। So the court in this case held that anticipatory breach will apply because person has disabled himself for performing his part of agreements and all the arguments on behalf of the boy was rejected as court will consider what will be practical and what will not consider theoretical and hypothetical.
ऑथेंटिकेशन. सो लेडी वॉज अलाउड टू कंपनसेशन. कंपनसेशन कितना था कोर्ट ने डिसाइड किया था फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस के ध्यान में रखते हुए. इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग, पर्संस कैन गो टू द कोर्ट बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट दैट इज टोटली रिजेक्टेड द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, टोटली रिजेक्टेड. ये तो शादी पे बेस्ड था. उन्होंने कहा है कब कहाँ पे जा सकते हो आप ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से, वेयर देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पे टोटली कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया है. सो देयर इज़ अ फेमस केस लॉ ऑन दिस, हॉस्टर HOCHESTOR वर्सेस डे ला टूअर्स. ये डाला टूअर्स फ्रेंच ट्रेवल एजेंसी है. इस केस में पार्टी ने अपने आप को डिसेबल कर लिया था फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही इज़ यूनिनेटरी रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, पार्टी ने अपने आप को डिसेबल नहीं किया था फॉर फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही इज़ यूनिलेटरली रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. किस तरह से कोर्ट ने सबसे पहली बार इस केस में पहली बार क्या डिसाइड किया था, हेल्ड व्हेन द पार्टी हैज़ टोटली रिजेक्टेड द कॉन्ट्रैक्ट देन वन शुड नॉट वेट फॉर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस टू गो इनटू द कोर्ट. ही कैन गो बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज ही कैन इमीडिएटली गो टू द कोर्ट. सो इस केस के पहले हम फैक्ट्स देखते हैं, व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. सो फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज ए एंगेज्ड बी ऑन 12th April 1852 एज अ कोरियर फॉर एकम्पनिंग हिम इन अ टूर ऑफ यूरोप. ठीक है, ए ने बी को एंगेज किया एज अ कोरियर फॉर एकम्पनिंग हिम ऑन अ टूर फॉर यूरोप विच वॉज टू बिगिन ऑन 1st June, और 12 अप्रैल को कर लिया था. बी को इसके लिए 10 pounds पे भी किए गए थे पर मंथ फॉर हिज सर्विसेज. On 11th May 1852, A informed B that B's services were not needed. ठीक है, B की services नहीं चाहिए, 11th May को inform कर दिया. On 22nd May 1852, B sued A for the breach of contract. Held that even though B had bought an action on 26th May, that is before due date क्या थी, 1st June थी. He had a right to do so and his action was successful. Is it clear? So these were the facts of this